इस नई वीडियो में सीखेंगे कि ये जो हमारा सॉकेट फिश है, इसे यहाँ पे फिश कहते हैं सऊदी में, और हम अपने भाषा में सॉकेट कहते हैं। देखें, जैसा कि देख सकते हैं जो हमारा बॉक्स है, एक सॉकेट मैंने लगा दिया है, एक सॉकेट लगाने के लिए बाकी है। ये हमारा सॉकेट, यहाँ का जो सॉकेट होता है वो स्विच के साथ आता है, और देखिए ये जो पिन होता है ये फ्लैट टाइप का होता है। इसमें हमारा जो है तीन टर्मिनल होते हैं। तो कई लोग क्या गलती करते हैं इसमें कि देखिए ये अर्थिंग का सिंबल बना हुआ है, ये जो है ना अर्थिंग का जो सिंबल बना हुआ है ये ग्राउंड होता है। कई इलेक्ट्रिशियन क्या गलती करते हैं कि इसमें लाइन या न्यूट्रल दे देते हैं, वो देखते नहीं हैं, बस लगा देते हैं। तीन टर्मिनल है, इसमें दो मेरा मेन है, एक ये न्यूट्रल है, देख सकते हैं यहाँ पे एन बना हुआ है, एन ये न्यूट्रल है, और ये देखिए ये एल बना हुआ है, यानी ये लाइन है, ठीक है। और ये अर्थिंग का सिंबल है, देखिए ये ग्राउंड होता है। अगर करंट लीकेज वगैरह हुआ, हमारा एसी फ्रीज जिस चीज़ में भी अगर करंट लीकेज हुआ, तो इसके ज़रिए से ये ज़मीन तक चला जाता है, यानी लीकेज करंट ग्राउंड में हम सप्लाई कर देते हैं ज़मीन में। तो ये बात समझ रहे हैं। अभी क्या है हमारे पास, ये दो तार है, हमने इंसुलेशन निकाल दिया, इसमें बिजली है। अभी एक को हमको एन यानी न्यूट्रल में कनेक्ट करना है, एक हमको एल यानी लाइन में कनेक्ट करना है। दोस्तों सबसे पहले जो है इसमें भी सेम कवर है, ये देख रहे हैं, सबसे पहले ये कवर को खोलना है। इसके लिए क्या तरीका है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये जो आपका ये निशान देख रहे हैं, ये निशान, इसमें आप माइनस स्क्रू ड्राइवर को लगाएं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। देखिए जैसे कि ये हमारा है, इसमें हम स्क्रू ड्राइवर को लगाएं, ये खुल जाएगा, ये खुल गया, ये कवर अलग हो गया है। अभी ये हमारा जो सॉकेट है ये अलग हो गया है, और इसमें दो मुस्मार टाइट करने के लिए है, एक हमारा ये जो अर्थिंग का है ग्राउंड, ये इससे कनेक्ट होता है। तो इसको लगाने के लिए हमको सबसे पहले जो है, एक देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बात का आप बहुत ध्यान रखें कि ये वाला जो है अर्थिंग का है, अर्थिंग वाला जो ज़मीन से हमारा जो ग्राउंड आता है अर्थिंग का वायर, वो कनेक्ट करें इसमें, इसमें लाइन या न्यूट्रल कनेक्ट हरगिज़ ना करें। और दूसरा ये न्यूट्रल है हमारा जो एक तार है, ये हम एक न्यूट्रल या फेस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें दोनों एक ही कलर है, तो पता नहीं चल रहा कौन सा न्यूट्रल कौन सा फेस है। खैर हमको मालूम है कि ये हमारा फेस है, हम इसको लाइन में कनेक्ट कर देंगे फेस में, और ये हमारा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। इसके लिए यहाँ पे जो हमारा ये नट है, ये हम इसको ड्राइवर से ये नट जो है इसको लूज़ कर देंगे। देखिए इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम लूज़ कर देंगे, फिर उसके बाद जो हमारा फेस है इसको हम इस तरह से बैंड करेंगे, और हम फेस में अपना ऐसे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से कनेक्ट होने के बाद फिर हम जो है ना इसका स्क्रू इस तरह से टाइट कर देंगे। अब ये निकलने वाला नहीं है। फिर इसी तरह दूसरा वाला जो है, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें लाइन है, जब भी आप काम करें चालू लाइन में ना करें। अगर आपको मालूम है पूरा सेफ्टी के बारे में, तो आप तब भी चालू लाइन में काम करें। फिर इसको भी हम इस तरह से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फिर जो है ये सॉकेट हम इस तरह से यहाँ पर बिठा देंगे, और दो जो स्क्रू है हमारा हम उसे टाइट कर देंगे। तो दोस्तों दो स्क्रू जो है मैंने टाइट कर दिया है, उसके बाद ये जो कवर है आप इस तरह से इसको ऐसे लगा के चारों तरफ से ऐसे दबा दें, ऐसे और ऐसे, इस तरह से टाइट हो गया और ये हमारा काम ख़त्म हो गया। तो ये सॉकेट या फिश लगाने का तरीका है। अभी हम इसमें बिजली चेक करेंगे कि हमारा जो बिजली है वो कितना वोल्ट आ रहा है। एक इसमें हम डाल दिए, दूसरा हमको इसमें देखिए दो हम दो में डाल दिए, दो टर्मिनल में हमारा जो मीटर का लीड है वो मैंने डाल दिया हूँ। अभी देख सकते हैं आप बिजली 218 दिखाया, यानी हमारा 220 है। तो दोस्तों ये तरीका है बिजली देखने का, जो हमारा सॉकेट है, और सॉकेट लगाने के बारे में भी मैंने बता ही दिया आपको।